खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुर्ला के नायक नगर में और ये मानसून का महीना शुरुआत है और इसी शुरुआती मानसून के महीने में काफ़ी सारे चिंता जो है ज़रूर पैदा होती है क्योंकि लोग जो है रात में डर के साए पर सोने पर मजबूर है क्योंकि बीएमसी बड़े बड़े दावे करती है लेकिन जैसे ही इमारत गिरने का हादसा होता है ये तमाम दावे जो है खोखले साबित होते हैं। नायक नगर कॉम्प्लेक्स का ये जो हादसा है ये 4 मंजिला बिल्डिंग है और इस 4 मंजिला बिल्डिंग के क्षतिग्रस्त होने से काफ़ी लोग इस मलबे में फंसे हुए हैं। अगर हम बात करें आंकड़े की तो लगभग 21 लोगों की इसमें जानी नुकसान की खबर है और साथ ही साथ 6 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू कार्य अभी भी जारी है लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यहां पर स्थानिक लोगों का ऐसा कहना है कि कुछ लोग स्थानिक इसलिए लापरवाही मान रहे क्योंकि स्थानिक लोगों को नोटिस भी दिया गया था और एक अल्टीमेट भी दिया गया था कि जर्जर हो चुकी है इमारत और मानसून में कभी भी ये जो है हादसा हो सकता है लेकिन उसके बावजूद लोगों ने खाली नहीं कराया, ऐसे एक स्थानीय व्यक्ति का कहना है। और साथ ही साथ अब लगातार जो है मानसून का महीना शुरुआत है और इस शुरुआत में किस तरीके से ये पहला बड़ा हादसा कुर्ला के नेहरू नगर अंतर्गत में हुआ है, हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद है घटनास्थल पर, शुरुआत से वो है जायज़ा ले रहे। कितने लोग अब तक फंसे हुए क्या जानकारी? मैं जानकारी दे रहा हूँ कि उसमें 4 मंजिल पर 8 आदमी थे, अब 3 मंजिल पर 12 आदमी थे, उसमें 6 आदमी निकले हैं। अच्छा, 6 जो है कोई मृत हालत में या सब ठीक ठाक निकले हैं? फूटा उटा हुआ है, कपड़ा वपड़ा फूटा हुआ है। और इससे पहले जैसे लोगों का कहना है कि बीएमसी ने चेतावनी दिया था लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं खाली कर रहे, क्या कहेंगे? मैं खाली करने के लिए कहा था, 20 तारीख को बोला था खाली करने के लिए, खाली नहीं किए। अच्छा, जैसे इनका कहना है और एक बड़ी लापरवाही जो है यहाँ पर सामने आई है बीएमसी की भी क्योंकि ऐसा हादसा और कहीं पर भी हो सकता है तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीएमसी को जो है एक चिंता बनाते हुए एक सोच विचार करना चाहिए और ऐसे तमाम जो हादसे हो रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगाना चाहिए। लगातार एक के बाद एक हादसे सामने आ रहे हैं, इस हादसे को लेकर के अब क्या अपडेट आएगा वो हम आपको दे देंगे। फिलहाल इस हादसे को लेकर के स्थानीय दमकल विभाग की टीम और नेहरू नगर पुलिस स्टेशन की तमाम टीम जो है मौजूद है और साथ ही साथ अब रेस्क्यू कार्य जोरों शोरों से चल रहा है और इसी के साथ में यहाँ के स्थानीय ACP है वो भी घटनास्थल पर जायजा लेने के लिए खुद उपस्थित है। देर रात का यह हादसा है, आगे का क्या अपडेट आएगा वो हम आपको दे देंगे। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई TV। कैमरामैन नदीम खान के साथ अफजल शेख, मुंबई TV कुर्ला। हमारा नाम मुकेश है, मैं इस बिल्डिंग में 4th माले पर रहता था। हाँ, ये बिल्डिंग जो गिरा है, ये बिल्डिंग का हमको नाम नहीं मालूम है, 128 में काम करता हूँ मैं। उस तेल लोग से आप लोग से बोलता था बारिश मौसम में गिरने वाला है, आप लोग है आप लोग हमको रूम दे दो, नहीं दिए रूम। हमारे गांव के सब लोग आदमी दबता के इधर मर गए साहब। कितने लोग दबे हैं इसमें? इसमें हमको नहीं मालूम, हमारे गांव के 9 लोग थे इधर, लोहार कुसार नाम था, अभी उन लोग का था पता नहीं है। अच्छा, हाँ साहब। तो कोई आया आपसे कुछ? अभी कोई हमसे कुछ नहीं, कोई बात नहीं हुआ। आपके साथ कितने लोग रहते थे? हम लोग साहब हम लोग सेफ हैं, जो लोग बच्चे थे हमारे जो साथ में सभी था पता नहीं चला किधर, मैं खोज रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मैं राजू धनके, मैं बाजू में रहता हूँ। ये कौन सी जगह है और क्या हादसा हुआ है, कितने बजे हुआ? ये नेहरू नगर शिव सृष्टि रोड नाइक नगर का मामला है। यहाँ पर जो 4 बिल्डिंग है वो चारों के चारों बहुत साल पुरानी है और इसके बारे में बार बार मुंबई महानगर पालिका ने नोटिस लगा के रखा है कि यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग है वो गिरने वाली है, आप खाली कर दो। लेकिन यहाँ सोसाइटी और बिल्डर में कुछ जो चल रहा है कई सालों से, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है और आज इसका परिणाम ये हुआ है। आज ये 4 माले की जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वहाँ के वो बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है जिसमें कई लोगों की मरने की आशंका है। ग्राउंड फ्लोर प्लस 1 फ्लोर और 2nd 3rd चारों फ्लोर में लोगों के दबने की आशंका है
और हमारा यही कहना है बीएमसी को तुरंत से तुरंत ये चारों बिल्डिंगों को खाली कर दे और चारों बिल्डिंग गिरा के प्रशासन अपने कब्जे में ले, जैसे कि और लोगों को भी जान सके। तो क्या नाम है बिल्डिंग का? ये नाइक नगर सोसाइटी है, नाइक नगर में चार बिल्डिंग है। लगभग कितने लोग वहाँ बिल्डिंग में रहते हैं? मुझे लगता है लगभग 30 से 40 लोग टोटल इस बिल्डिंग में रहते हैं। कितने लोग बच पाए, कितना रेस्क्यू का कार्य चल रहा है? अभी तो पता नहीं चल पाया, नीचे अंदर लोग दबे हुए हैं और कितने लोग मर चुके हैं ये भी पता नहीं, किसी की आवाज़ नहीं आ रही, कुछ लोगों की आवाज़ आ रही, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पर जल्द से जल्द आना चाहिए और लोगों की जान बचानी चाहिए।